हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, जानते ही हैं कि सृष्टि की अतिशुभ मंगलमय बेला आ गई है और हम सब इस मंगलमय बेला में साक्षी भाव से उपस्थित रहना चाहते हैं, इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आपकी शक्ति रूपा देवी लक्ष्मी के साथ आपके शुभ विवाह का समय जो आ गया है, इसी उद्देश्य से देवी लक्ष्मी के पिता समुद्र राज आपके पास अपनी कन्या देवी लक्ष्मी का संबंध लेकर आए हैं। प्रणाम देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। हे देवी लक्ष्मी, हम तीनों ने त्रिदेव की परीक्षा ले ली है और हमारा ये निर्णय है कि तीनों देवताओं में केवल क्षीर सागर निवासी शेष राई भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं। अब आपको भगवान विष्णु का ही आश्रय लेना होगा। हे देवी लक्ष्मी, यदि आज्ञा हो तो हम भगवान विष्णु से आपकी विवाह की बात आगे बढ़ाएं। नारायण नारायण। देवगणों और असुरगणों, भगवान शिवशंकर ने भी कहा है और परीक्षा द्वारा भी ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि त्रिदेव में भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं और अब देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह का निर्णय भी हो चुका है। देवी लक्ष्मी की सगाई की बातचीत के लिए भगवान विष्णु के पास किसी को भेजना होगा। परंतु किसे भेजा जाए सगाई की बात करने के लिए? देवी लक्ष्मी का तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। मैं हूं देवी लक्ष्मी का श्रेष्ठ। कौन है देवी लक्ष्मी के? आप कौन हैं? मैं हूं समुद्र राज। प्रणाम समुद्र राज। प्रणाम। भार्गव शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति और देव ऋषि नारद सहित सबको मेरा भी प्रणाम। मैं समुद्र राज हूं। देवी लक्ष्मी समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई है, इस नाते मैं समुद्र कन्या का पिता हूं। परंतु देवी लक्ष्मी तो अजन्मा है। पिता का दायित्व निभाने के लिए जन्म देना ही आवश्यक नहीं है। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होने के कारण मेरी ही पुत्री कहलाएगी। जब मैं ही इसका पिता ठहरा तो कन्यादान भी मुझे ही करना होगा और विवाह की बात करने हेतु विष्णु से भेंट करने के लिए मुझ ही को जाना होगा। हे सागर राज, आप वास्तव में देवी लक्ष्मी के पिता नहीं हैं, इसलिए विवाह के संबंध में बातचीत करने से पहले आपको देवी लक्ष्मी की अनुमति लेनी चाहिए। हाँ हाँ, अनुमति लेनी चाहिए। अवश्य, आपका विचार सुयोग्य है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवी। आपने मुझे पुत्री कहा है
और पुत्री पिता को प्रणाम करती है। पिता पुत्री को प्रणाम नहीं करते, उसे आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, श्रेष्ठ अपने कनिष्ठों को आशीर्वाद देते हैं, और जब तक आप अपने दैवी रूप में हैं, आप मेरे लिए भी बड़ी हैं। इसलिए मैं आपके इस दैवी रूप के होते आशीर्वाद नहीं दे सकता। कृपया आप इस दैवी रूप को त्यागें, तभी मुझे आपको आशीर्वाद देने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। तथास्तु। पिताश्री, अब तो अपनी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। कल्याणमस्तु। हे पुत्री लक्ष्मी, मैं तुम्हारी आज्ञा और इच्छा से तुम्हारे विवाह की बात चलाने जा रहा हूं। अब तुम्हें विवाह संपन्न होने तक घर ही में रहना चाहिए, इसलिए अब तुम्हें विदा करने तक मेरे समुद्र भवन में रहना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। दासियों, आज्ञा राजन। मेरी कन्या लक्ष्मी को समुद्र भवन ले जाओ और उसके विवाह की तैयारियां करो। जो आज्ञा राजन। आइए राजकुमारी जी। प्रणाम पिताश्री। देव ऋषि, हे असुर गुरु, हे देव गुरु, मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी के विवाह के शुभ कार्य में आप सब भी मेरा हाथ बटाएं और मेरे साथ चलें। अवश्य समुद्रराज, अवश्य। ये तो हम सबका सौभाग्य है। आइए चलें भगवान विष्णु के पास। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, जानते ही हैं किस स्त्री की अतिशुभ मंगलमयी बेला आ गई है, और हम सब इस मंगलमयी बेला में साक्षी भाव से उपस्थित रहना चाहते हैं, इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आपकी शक्ति रूपा देवी लक्ष्मी के साथ आपके शुभ विवाह का समय जो आ गया है, इसी उद्देश्य से देवी लक्ष्मी के पिता समुद्र राज आपके पास अपनी कन्या देवी लक्ष्मी का संबंध लेकर आए हैं। हे दीनदयाल, हे चराचर जगत के स्वामी, हे प्रभु, समस्त जगत में जो कुछ घट रहा है वो सब आपकी लीला है, और इसी लीला के कारण मेरे भाग्य का उदय हुआ है। ये आप ही की अपार कृपा है प्रभु, जो मुझे
महादेवी लक्ष्मी का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी कृपा ने ही मुझे प्रकृति और पुरुष, सृष्टि और सृष्टिकर्ता, लक्ष्मी और विष्णु नारायण को मिला देने का निमित्त बनाया है। अन्यथा मैं सृष्टि के चरणों में रहने वाला आज सृष्टि के पिता की पदवी कैसे संभाल सकता था। आपके वरद हस्त ने ही मुझे इतना ऊंचा स्थान प्रदान किया है कि मैं महादेवी लक्ष्मी के कन्यादान का सुख प्राप्त करूंगा। हे निर्गुण निर्विकार त्रिगुणातीत परमेश्वर, संसार के प्रत्येक माता पिता के जीवन की सबसे शुभ घड़ी वो होती है जब वो अपनी पुत्री का विवाह रचाता है। मैं भी अपनी पुत्री देवी लक्ष्मी का विवाह करके उस शुभ घड़ी का आनंद लेना चाहता हूं। और इसी संबंध में एक पिता अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपकी शरण में आया है। हे परमात्मा, महादेव शिव शंकर और परमपिता ब्रह्मदेव सहित समस्त सृष्टि ने मेरी पुत्री लक्ष्मी के लिए वर के रूप में केवल आप जैसे त्रिगुणातीत का चयन किया है। कृपया आप हमारी पुत्री के साथ विवाह की स्वीकृति देकर हमें उपकृत कीजिए। तथास्तु। नारायण नारायण। प्रभु, अब शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकालना चाहिए। मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है देवेंद्र। हाँ, कल ही पूर्णमासी का शुभ मुहूर्त है। संपूर्ण सृष्टि उत्सुकता से जिस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रही है वो परमेश्वर और पराशक्ति का शुभ विवाह कल ही होगा। समुद्र राज। आज्ञा देवेंद्र। अब विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए। अपना राजमहल सुशोभित कीजिए और बारातियों के स्वागत का उचित प्रबंध कीजिए। ऐसा ही होगा। मैं अपने कुल की रीति एवं मान मर्यादा के अनुसार अपनी पुत्री के विवाह का भव्य प्रबंध करता हूं। हरी दूल्हा बनके आए री लक्ष्मी के द्वार।
सुर मनुज मुनियानंद भरे नमामि हे शांताकारं तुभ्यं। लक्ष्मी